गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला में पाठ दो अनोखी गवाही पढ़ेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि जो व्यक्ति सच्चा और ईमानदार होता है वह किसी से नहीं डरता है। सच्चाई और ईमानदारी का पालन करने वाले इंसान को किसी भी तरह का डर नहीं होता। झूठा और बेईमान कभी न कभी पकड़ा ही जाता है। इस पाठ में ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है जिसके झूठ को न्यायाधीश पकड़ लेता है। अनोखे लाल और कल्याण सिंह नाम के दो नेक और ईमानदार मित्र थे। एक दिन अनोखे लाल ने कल्याण सिंह से 100 रुपए उधार लिए। काफी दिन बीत गए। कुछ दिनों बाद कल्याण ने अनोखे से अपने रुपए वापस मांगे तो उसने देने से साफ इनकार कर दिया। लाचार होकर कल्याण सिंह ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय मतलब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कोर्ट। कोर्ट बोलते हैं, हिंदी में कचहरी बोलते हैं, कचहरी। न्यायालय जहाँ पर न्याय किया जाता है, किसी भी मुकदमे का न्याय होता है, उसको न्यायालय बोलते हैं। न्यायाधीश, न्यायाधीश मतलब क्या होता है, जज। जो हम लोग जज, आप लोगों ने सुना होगा ना, उसको हिंदी में बोलते हैं न्यायाधीश, जो न्याय करने वाला होता है। ने दोनों को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया। उसने अनोखे लाल से पूछा, न्यायाधीश क्या तुमने कल्याण सिंह से 100 रुपए उधार लिए थे? अनोखे लाल, नहीं श्रीमान, यह झूठ कहता है। सच्चाई तो यह है कि इसी ने पहले मुझसे 200 रुपए उधार लिए थे, वे भी अभी तक उसने नहीं लौटाए हैं। न्यायाधीश, कल्याण सिंह तुमने इसे 100 रुपए कब दिए थे? कल्याण, श्रीमान मैंने इसे वे रुपए 1 वर्ष पहले दिए थे। न्यायाधीश, तुम्हारे पास कोई गवाह है? कल्याण, नहीं श्रीमान, मेरे पास कोई गवाह नहीं है। यह मेरा दोस्त था, इसलिए मैंने बिना लिखा पढ़ी किए और गवाह रखे इसे रुपए दे दिए थे। न्यायाधीश, तुमने वह रकम इसे कहाँ दी थी? कल्याण, श्रीमान मैंने वह रकम इसे एक बरगद के पेड़ के नीचे दी थी। न्यायाधीश, अच्छा, तो तुम इस बरगद के पेड़ को न्यायालय में गवाही के लिए बुला लाओ, वह सब सच सच बता देगा। कल्याण, किंतु श्रीमान पेड़ न तो चल सकता है और न ही बोल सकता है। न्यायाधीश, कल्याण वह पेड़ जरूर चलेगा और बोलेगा। तुम जाकर उससे कहो कि न्यायालय का आदेश है कि वह गवाही के लिए उपस्थित हो। कल्याण सिंह बरगद को गवाही के लिए बुलाने चला गया। अनोखे लाल वहीं बैठा रहा। आधे घंटे के बाद न्यायाधीश ने अनोखे लाल की ओर देखकर कहा, न्यायाधीश अरे अभी तक कल्याण सिंह आया नहीं, क्या बात है? बरगद का पेड़ बहुत दूर है क्या? अनोखे, हुजूर ठीक फरमाते हैं, वह बरगद का पेड़ यहाँ से 2 मील दूर है, उसे आने में अभी देर लगेगी। न्यायाधीश ने कुछ नहीं कहा। लगभग 1 घंटे के बाद कल्याण सिंह आया। उसने आकर न्यायाधीश से कहा, कल्याण श्रीमान मैंने पेड़ को आपका आदेश सुनाया, किंतु उसने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही वह मेरे साथ आया, इसलिए मुझे अकेले ही लौटना पड़ा। न्यायाधीश, कल्याण सिंह तुम ठीक कहते हो, अब बरगद के आने की जरूरत भी नहीं है। उसकी आत्मा ने आधा घंटे पहले अदालत में हाजिर होकर मुझे सब कुछ बता दिया है। अब मैं सारी हकीकत जान गया हूँ। अनोखे, तुमने मुझे अभी बताया कि वह पेड़ यहाँ से 2 मील दूर है, इसका मतलब यह है कि तुम उस पेड़ से परिचित हो, क्यों, ठीक है ना? अनोखे लाल पकड़ा गया, वह कुछ न बोल सका। उसे निरुत्तर देखकर, निरुत्तर मतलब बिना उत्तर के, मतलब उसके पास कोई उत्तर नहीं रहा, बोलने के लिए कोई जवाब नहीं रहा, देखकर न्यायाधीश ने फैसला दिया कि अनोखे लाल कल्याण सिंह को उसके 100 रुपए तुरंत लौटा दे या 1 वर्ष कैद की सख्त सजा भुगते। सख्त मतलब कठोर, कठोर सजा भुगते। इसके शब्द अर्थ भी हैं, निरुत्तर का ये लिखा बिना उत्तर के,
सख्त का कठोर और न्यायालय का कचहरी न्यायाधीश का न्याय करने वाला। तो इस पाठ के शब्द अर्थ आपको कॉपी में लिखना। बच्चों, इस पाठ से हमने क्या शिक्षा लिया, क्या सीखा इस पाठ में? इस पाठ से हमने यह सीखा कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमको हरदम सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। जो सच्चा ईमानदार होता है उसे किसी तरह का डर नहीं होता। इस कहानी में यही बताया गया है कि अनोखे लाल का जो मित्र था वह झूठ का सहारा लिया था, इसलिए वह लास्ट में पकड़ा गया। तो ये बात इस कहानी से यह साबित हुआ कि जो लोग झूठ बोलते हैं और बेईमानी करते हैं वो कभी न कभी पकड़े ही जाते हैं। अनोखी गवाही क्या नाम इसलिए है क्योंकि इसमें गवाही कौन दिया है? बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ को जज ने गवाह बनाया अपने बुद्धि के अनुसार और उनने उससे अनोखे लाल से सच उगलवा लिया। इस पाठ से हमको यही शिक्षा मिली और आगे हम अगले पाठ में इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे।